सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सर्विस सेंटर के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो मेरा कंट्रोलर है उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जो सर्विसिंग करा दी है। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था उसमें कौन कौन सी बटन खराब हो चुकी है। वो यदि आपको नहीं पता, आपने वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने ही वाला हूँ। सो गाइस, तो इसलिए रिलेटेड मैं कंट्रोलर की सर्विसिंग कराने के लिए मैं सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ। तो जो कुछ भी होगा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि मैं कहाँ सर्विसेज कराने जा रहा हूँ, क्या सर्विस चार्ज होंगे, और जो भी बटन खराब हो चुकी है उसके क्या चार्जेस होंगे, या कितने दिन में ठीक होगा। मैं आपको इस रिलेटेड सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो गाइस, तो जो मेरा कंट्रोल है सबसे पहले उसे मैं कर लेता हूँ पैक, जिससे जो बाहर के डस्ट बाहर ना लगे और मैं हो जाता हूँ तैयार, उस कदम चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैं निकल चुका हूँ। मेरे पास यहाँ पर मेरे गूगल मैप में बता रहा है कि मुझे एक घंटा लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो गाइस, हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं हम आ चुके हैं, तो हमें कुछ इस तरह का सर्विस सेंटर में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइस, चलिए हम बात करते हैं। मैं जो भी बात करूँगा आपको डायरेक्टली बताऊँगा, और जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कि मुझे क्या क्या इसमें सुधरवाना है, क्या क्या मेरी प्रॉब्लम आ रही है इस कंट्रोलर पर, तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखिए इसमें कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या चीज़ सुधरवाने आया हूँ। क्यू स्विच ठीक है, प्ले स्विच ठीक है, दोनों ठीक दो दो पीस ठीक है, पोर्ट स्विच एक ये वाला है ठीक है, पहला वाला ठीक है ना, ठीक है, लोड स्विच ये वाले ठीक है, है ना, टॉप स्विच ये वाला ठीक है, दोनों एफएक्स स्विच ये वाला ठीक है, दोनों ठीक है ना, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस, तो जैसे कि आपने देख ही लिया है मेरी यह बटने हैं जो ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है फेडर में, बट मैं आपको बताऊंगा चार्जेस, तो फिर आप भी बोलेंगे कि आपको सुधरवाना चाहिए या नहीं सुधरवाना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको एक एक करके सबके प्राइस अब बताने वाला हूं। तो गाइस, जो इन्होंने सर्विस चार्ज बताया है वह है 1200 रुपीज़। अब ये DDJ RV जो छोटे कंट्रोलर्स हैं उनका है। अब यदि हम बात करें नेक्सस सीरीज 2000-3000, तो उसका जो इन्होंने सर्विस चार्ज बताया है वह बताया है 1600 रुपीज़। तो यदि आपके पास जो बड़े कंट्रोलर हैं नेक्सस सीरीज है, तो उसका चार्ज है 1600। अब यदि हम बात करें जो बटन की, जैसे प्ले पोज बटन, क्यू बटन या कोई भी रिलेटेड बटन है, उसका क्या प्राइस बताया है इन्हें सुधरवाने के लिए, तो इन्होंने बताया है 80 रुपीज़। अब गाइस, यदि हम बात करें टेम्पो स्लाइडर की, फेडर की, तो इसमें भी आपको अलग अलग चार्जेस देखने को मिलते हैं। यदि हम छोटे कंट्रोलर की बात करें, DDJ RV की बात करें, तो इसके हमें जो जितने चार्जेस बताए हैं वह 800 रुपीज़ बताए हैं। अब गाइस, मैंने बात कर ली चार्जेस की, अब इन्होंने मुझसे कितना टाइम मांगा है सर्विसिंग के लिए, तो इन्होंने मुझे 7 दिन का बोला है। अब मुझे लगता है यदि सुधरवाना तो है ही, तो मैं डाल देता हूँ और हम देखते हैं हमें क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब मैं आपको 7 दिन बाद की वीडियो आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो उस दिन तो मैं घर आ चुका था, अब मैं आपको 7 दिन बाद की बात बताता हूँ मेरे साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। तो गाइस, मैंने 7 दिन बाद कॉल किया, तो गाइस इनका जो रिप्लाई था वह आया था कि उससे 2 दिन और लगेंगे। तो मुझे लगता है चलो ठीक है, 7 दिन दिए हैं तो 2 दिन और सही। तो गाइस, 2 दिन बाद फिर मैं कॉल करता हूँ। अब गाइस, जैसे कि इनमें इनको कॉल कर रहा हूँ, ये मुझसे बोलते हैं थोड़ा टाइम दीजिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस, इसका उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। फिर आप फिर कॉल करते हैं, सर क्या हुआ, क्या हुआ कि नहीं हुआ, फिर हमको खुद कॉल करना पड़ता है, फिर ये बताते हैं कि 2 दिन और दीजिए। तो गाइस, मैंने सोचा कि 2 दिन और सही। अब जैसे कि मैंने 4 तारीख को जमा कराया था, आज 15 तारीख हो चुकी है गाइस, फिर मैंने इनको कॉल किया, तो गाइस इनका रिप्लाई आया था थोड़ा टाइम दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर कोई कॉल नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया कि सर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ बताइए तो सही, फिर बोलते 2 दिन और दीजिए। गाइस, आप यह बताइए कि कितना टाइम और लगेगा, ये साफ साफ बता दीजिए कि नहीं हो रहा है तो कहीं और अपन ट्राई करें, बट गाइस इनका यही कि 2 दिन और दीजिए। तो गाइस, मैंने इनसे बोला कि सर मेरा जो कंट्रोलर है इसके बीच में इन्होंने कॉल काट दिया। फिर गाइस, मैंने इन्हें कॉल किया, इनको जो मैंने कॉल किया तो इन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं किया और मेरा नंबर जो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब गाइस, यदि हम कस्टमर हैं तो मुझे कुछ इस तरह का फीडबैक देखने को मिल रहा है। और अब जितनी भी कॉल डिटेल है आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कहाँ कहाँ कॉल किया है, कितना टाइम लगा है मुझे बात करने में, मैंने बात भी की है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा मैंने इस चैनल पर कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। तो गाइस, मैंने इनको फिर दूसरे नंबर से कॉल किया, मैंने आप ये काम कीजिए जो कंट्रोलर है आप वापस रख दीजिए, मैं लेने आ रहा हूँ। तो गाइस, मैं आज जो कंट्रोलर है वापस लेने गया और इन्होंने अभी तक एक बार भी चेक भी नहीं किया। 4 तारीख से पड़ा है, आज 15 तारीख हो चुकी है। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं मेरे पास इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस यहाँ से रहा है। आप मेरी बिलिंग देख सकते हैं, इसका एड्रेस देख सकते हैं। अब गाइस, यदि आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना काम था कि मैं आपको बता सकूं कि मेरे साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जिससे किसी और का बिजनेस खराब हो, बट जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको वह सारी चीज़ें बता रहा हूं। तो गाइस, अब मैं दूसरे जो सर्विस सेंटर है उस पर जा रहा हूं। मैंने किसी से नंबर लिया है, वह भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। और गाइस, जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उस सर्विस सेंटर के साथ मैं आपको बताऊंगा। यदि अच्छा होगा तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो चैनल है मैंने
क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं ओपन किया है। तो वह जिस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा। जैसे कि मैंने उन्हें बोला ही है कि आप शाम को ही आ जाइए, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उससे बोला कि मैं कल आऊँगा। अब देखते हैं, यदि अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप वहाँ पर जाके सुधरवा सकते हैं। सो गाइस, लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस आया सर्विस सेंटर के साथ, जिस तरह का मेरा टाइम ख़राब हुआ है, वैसा आपका टाइम ख़राब ना हो। इसलिए आप अच्छे से जो भी सर्विस सेंटर पर जा रहे हैं प्लीज़ अच्छे से देख कर जाएँ। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करने ही वाला हूँ जिस तरह का मेरे साथ एक्सपीरियंस रहेगा जो नेक्स्ट सर्विस सेंटर पर गया हूँ उसके साथ। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है सर आपका मिक्स कब आएगा, तो जैसे मेरा कंट्रोलर ठीक होगा मैं आपके साथ मिक्स शेयर करना फिर से स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा इसमें एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जो मेरी यह वीडियो है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डीजे तक शेयर कीजिए, जिससे उन्हें अब सब कुछ पता लगे और उनके साथ यह प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू।